everyone, what's up? This is me, Nabilshzd, and if you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you will never miss new videos. And finally, the wait is over. Avengers Infinity War 4, Avengers 4 ka trailer release ho chuka hai. I guess abhi tak unhone title nahi announce kiya aur mujhe lagta hai ki Avengers 4 ke na end credits mein title aane wala hai. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और मैंने भी परसों ही दोबारा से एवेंजर्स 3 यानी कि इन्फिनिटी वॉर देखी है, तो मैं बहुत हाइप हूँ इस ट्रेलर के लिए. फाइनली कितने महीनों से वेट कर रहे हैं यार इसका. सो लेट्स फर्दर डू माइट रियली जंप इनटू द ट्रेलर और ना मुझे थोड़ा सा भी रिलैक्स कर लें तो यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ हूँ. लेट मी ब्रीथ. थोड़ी सी ना एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा कम कर लूँ यार. गूज़बम्स आ रहे हैं यार, हीबी जीबीज हो रहा है मुझे. और अभी भी मैं सिर्फ फैसलाबाद आया ही हूँ और आते ही सबसे पहली चीज मुझे ये ट्रेलर दिखा है, तो मैं इसीलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. सो ये बातें वो दूसरी वीडियो में करेंगे. लेट्स फर्दर डू माइट रियली जंप इनटू द ट्रेलर. Don't feel better about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'd be it. When I drift off, I will dream about you. It's always you. Did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures. We lost, all of us. We lost friends. We lost family. We lost a part of ourselves. This is the fight of our lives. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. Endgame. Dekha, Endgame hi tha yaar. Now we are in the Endgame. This is Scott Lang. We met a few years ago at the airport in Germany. I got really big. Is this an old message? Ant-Man, I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? April mein aa rahi hai yaar. Bahut excited ho gaya hu yaar. April mein aa rahi hai yaar. Bahut shadeed wale goosebumps aa rahe hain yaar. स्कॉटलैंड पता ही है वो किस वजह से बचा है. एंटमैन देखो जाके, एंटमैन 2 थोड़े से मुझे पता भी है. एंड गेम्स, नाउ वी आर इन द एंड गेम्स टोनी. इसका मतलब रूसो ब्रदर्स ने गलत बोला था कि रूसो ब्रदर्स ने एक्चुअली बोला था कि जो टाइटल होगा ना वो किसी और मूवी में या किसी और अवेंजर्स में वो बोला नहीं गई है वो चीज. तो एनाइलेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अवेंजर्स एनाइलेशन हो सकता है इसका टाइटल, लेकिन एंड गेम जो कि सबको लग रहा था, मुझे भी लग रहा था ऑब्वियसली, लेकिन वही एंड गेम ही हो गया इसका टाइटल. बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं यार इस ट्रेलर के लिए. एटलीस्ट एडिट करते टाइम 200-250 बार तो और देखने वाला हूं मैं इस ट्रेलर को. बहुत फिट लग रहा है और ना बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेलर है. टोनी स्टार को बहुत ही ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया स्टार्टिंग का, जो कि ऑब्वियसली टोनी स्टार को बचाने के लिए ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना टाइम स्टोन दिया था. तो ऑब्वियसली टोनी स्टार ही कुछ करेगा इस मूवी में जिसकी वजह से जीतेंगे. और ये टीजर था तो टीजर के हिसाब से बहुत अच्छा था, बहुत फिट था.
स्टोरी, और ये लाइक मुझे सिर्फ 2 मिनट का, एक्चुअली 2 मिनट की फुटेज है ये, ट्रेलर नहीं है, 2 मिनट की फुटेज है। मूवी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, जो कि बेस्ट चीज है कि वो क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। और थैनोस के आर्मर का स्केयरक्रो बना हुआ था, वो बहुत ही आइकॉनिक इमेज है एक, जिसमें थैनोस जब चुटकी बजाता है तो उसके बाद बॉम्बिंग शुरू कर देता है वो। एंड हॉका है जो कि एके रोनन हो चुका है, उसका लुक दिखाया गया है, और बाकी इतना कुछ दिखाया नहीं गया, जो कि बहुत अच्छी चीज है। टीजर के लिए यही बेस्ट होता है, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल तो पीक पे चला गया है यार। और एंड में जो वो टाइटल एवेंजर्स का जो दोबारा से कंबाइन हुआ है, वो बहुत फिट हुआ है। एंड लास्ट टाइम जो एवेंजर्स 3 थी वो मई में रिलीज होनी थी, लेकिन उसको एक हफ्ता पहले रिलीज कर दिया गया था अप्रैल में, और इसको भी अप्रैल में रिलीज किया जा रहा है, जो कि बहुत फिट लग रहा है। यानी कि 1-2 हफ्ते पहले हमें देखने को मिल जाएगी। बहुत एक्साइटेड हूँ यार मैं, कुछ करो यार मुझे अभी दिखा दो प्लीज। लेकिन उससे पहले हमारे पास आ रही है कैप्टन मार्वल, उसका भी 2 ट्रेलर लॉन्च हुआ है, लेकिन वो मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पहले से, और मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता ज्यादा जान के मूवी के बारे में, इसलिए वो मैं नहीं देख रहा हूँ ट्रेलर। उससे पहले ही हमें फेब में देखने को मिल जाएगी कैप्टन मार्वल, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ यार, ये तो मेरे दिमाग में नहीं है, कैप्टन मार्वल नहीं दिखाएगी ये ट्रेलर में। बहुत सारी चीजें छुपाई गई हैं हमसे, बहुत सारी चीजें छुपाई गई हैं। खैर, एंड कैप्टन मार्वल से याद आया कि रॉकेट रैकून भी ट्रेलर में नहीं है। बाय द वे, काफी लोग ट्रेलर में नहीं है जो कि मूवी में है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज का भी स्पॉइलर अलर्ट, एक स्पेकुलेशन थी, इवन लीक था कि डॉक्टर स्ट्रेंज का भी गोस्ट लाइक जो वो प्रोजेक्शन वो करते थे वो हेल्प करेगा इस मूवी में। बाकी और बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं इस मूवी के लिए। वन मोर थिंग, मेरे एक दोस्त हमजा का मैसेज आया था मुझे कि एंड में स्कॉटलैंड यानी कि एंटमैन कहां से आ गया। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने एंटमैन 2 नहीं देखी, उसके एंड में क्वांटम रोम में एंटमैन फंस जाता है और पीछे से सब कुछ चुटकी वाला सीन हो जाता है। तो एक स्पेकुलेशन है या लीक है, ये आई गेस लीक है, कि जब स्कॉटलैंड एंटमैन को तो टाइम वॉट्सी मिल जाती है, जिससे वो टाइम जंप हो जाता है उसका, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में आ जाता है, और वो फ्यूचर में उसको अपनी बेटी भी मिलती है, जैसी नाम है आई गेस, मुझे नाम भूल गया शायद, जैसी मिलती है उसको, जो कि 18 साल की हो गई होती है, और उसको फिर बाकी चीजें पता चलती है, फिर वो कैप्टन अमेरिका के पास आता है एंड ऑल स्टफ। तो वो वहां से वो उसको टाइम वॉट्सी, जो कि अगर आपने एंटमैन 2 का एंड क्रेडिट देखा है तो वो होप जेम्स की माँ यानी कि ओरिजिनल वॉस्प उसको बोलती है कि कुछ भी हो जाए टाइम वॉट्सी से मत बजना, इस टाइप का कुछ डायलॉग होता है। तो वो टाइम वॉट्सी में फंस जाता है, फिर वो फ्यूचर में आ जाता है, जिसकी वजह से वो इधर आ गया, बच गया, यानी कि वो बेसिकली चुटकी स्नैप से बचा है, इस वजह से है कि वो क्वांटम रोम में था, वो इस वजह से ही वो बचा है क्योंकि वो क्वांटम रोम में था। लेकिन उससे पहले हमारे पास आ रही है कैप्टन मार्वल, और फिर हमें अवेंजर्स मिलेगी, फिर उसके बाद हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मिलेगी, एंड उसके बाद ब्लैंक है पूरी टाइमलाइन के, कुछ भी आ सकता है अभी। अब वो अनाउंस नहीं करने वाले हैं, पहले ये होता था कि वो अनाउंस करते थे 5-5 साल आगे की फिल्में, वो अब नहीं वो करने वाले, सरप्राइज देने वाले हैं, वो हर मूवी सरप्राइज होने वाली है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, बस आएंगी धुधुधुधुधुधुधु। और एंड गेम्स, वी आर नाउ इन द एंड गेम टोनी, तो एंड गेम में हैं हम, बहुत एक्साइटेड हूँ, एक बारी और देख लूँ क्या, एक बारी, चलो एक बारी और देख लेते हैं यार। Hey, Miss Potts. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'd be it. When I drift off, I will dream about you. It's always you. ये मूवी के स्टार्टिंग का टाइम होगा जब आयरन मैन वापस जा रहा है, और ये क्लासिक लुक सुपर होने का, ये जिसकी बात कर रहा था उसकी रिपोर्ट है ना, थानोस डिड आर्मी टू कर दी है एग्जैक्टली व्हाट ही सेड ही वाज गोना डू, ही वाइप्ड आउट 50% of all living creatures. ये टीजर ना एग्जैक्ट यानी कि एंडिंग से शुरू हुआ है, टीजर देखकर तो यही लग रहा है All of us. We lost friends,
We lost family. We lost a part of ourselves. This is the fight of our lives. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. वो डीप लाइन में वो डीप कुछ तो करने वाला है कैप्टन अमेरिका एंड में एवेंजर अब डिफरेंट नाम है. Hi, is anyone home? This is Scott Lang. We met a few years ago at the airport. वो कैप्टन मार्वल नहीं दिखाई इसमें. It's just an old message. अप्रैल में आ रही है, डेट नहीं बताई है. Avengers Endgame. Hashtag Avengers Endgame. दो बार ट्रेलर तो मैंने अभी देख लिया, तीन चार बार और देखूंगा एडिट करने से पहले, और फिर एडिट करते टाइम दो ढाई हजार बार देख रहे हूँ. मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, प्लीज मुझे इधर छोड़ दो, मैं पागल हो गया हूँ मैं. So guys, that's it for now. This is my trailer reaction of Avengers Endgame. If you like watching my reaction, please give me a big thumbs up. If you want to suggest me something or you have any question, please write that in the comment section below. Please likh diya karo yaar, kuch nahi jata. You can also follow me on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, musically nahi hai, like hai, TikTok hai. Basically I'm everywhere, simply search Nabilshzd and you will find me. And main har jagah different type ka content post karne ki koshish karta hu, to har jagah follow kar lo. Enjoy करेंगे हर जगह. You can also subscribe my YouTube channels. After subscribing my YouTube channel, please ring the bell for notification and help you to stay active on my YouTube channel. After that, you can click here to watch my trailer reaction on Captain Marvel. And you can also click here to watch my trailer reaction on Lion King. Bye, take care, peace. Work it, make it, do it. Work it, never over.